चलिए चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कल मैंने आपको लेजर का बेसिक्स बताया था, हमने क्वेश्चन भी किया था, इलस्ट्रेशन भी किया था, जिसमें मैंने आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बताया था और हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं क्लोजिंग बैलेंसेस की तरफ। ठीक है, क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स की तरफ। लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या होता है बेटा कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंत में, ठीक है, बिजनेसमैन को जरूरत होती है कि वो अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखे, अपने बिजनेस के अकाउंट्स देखे। जब वो क्लोज, बिल्कुल जब आप बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो उसको सारी चीजें क्लोजिंग अकाउंट्स चेक करने होते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, तीन कैटेगरीज हैं अकाउंट्स की, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हमने पढ़ा था पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, ये हमने अकाउंट्स पढ़े थे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पर्सनल अकाउंट से। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में क्या है चिल्ड्रन? क्या किसी पर्सन की बात हो? यस, डेबिट और क्रेडिट भी होता है इसमें। कुछ बोल रहे हो बेटा? पर्सनल अकाउंट्स का वो बता रहे हो? हाँ, मैं रूल नहीं पूछ रही बेटा आपसे, मैं यहाँ पर क्लोजिंग आपको अकाउंट बताने जा रही हूँ। रूल आपको पता है, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, रूल पर ही फॉलो करूंगी मैं आगे का अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो बैलेंस है आपका इन अकाउंट्स का, फ्रॉम द बैलेंसिंग ऑफ दीज अकाउंट्स वी कैन एसर्टेन एज टू हाउ मच अमाउंट इज ओइंग फ्रॉम ईच इंडिविजुअल। अब हमें ये पता करना है कि जितने भी हमारे एक एक इंडिविजुअल से कैसे अमाउंट हम लेंगे, हमने लिया है, हमें हर चीज पता करनी है कि कितना हमारा इंडिविजुअल से हमने, हमारे क्रेडिटर्स कितने बड़े हैं, हर चीज पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कुछ ऐसे बताया है कि अगर मान लो जो टोटल है डेबिट साइड का वो ज्यादा है क्रेडिट साइड के, तो जो डिफरेंस है उन दोनों में वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं उस अकाउंट के। क्यों? क्योंकि हमें पता है उनको हमें इक्वल करने के लिए हमें उसको क्रेडिट साइड करना पड़ेगा। तो जो बैलेंस बचा उसको हम बाय बैलेंस सीडी से लिखते हैं, यानी कि बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में वो बैलेंस, हमारा बैलेंस ब्रोक डाउन हो जाता है, यानी कि उस साल में शुरुआत, यानी कि पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड इस साल का ब्रोक डाउन कहलाता है, ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इसी के कॉन्ट्रडिक्टरी समझ लो कि अगर जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो डेबिट साइड से ज्यादा है, तो जो दोनों का डिफरेंस है हम देखेंगे, तो हम देखेंगे अगर उस साइड का ज्यादा, तो हम डेबिट साइड एंट्री कर देंगे। ठीक है, डेबिट साइड एंट्री करके टोटल अकाउंट हमने इक्वल कर दिया, वही होगा जो अकाउंट ज्यादा होगा उसको हम, अगर डेबिट साइड है तो हम टू बैलेंस, अभी वहां पे हमने बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखा था, यहाँ पर हम टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये हमारे इस साल का बैलेंस है, उसको हम अगली, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, अगले साल का ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हम अगले साल बाय बैलेंस ब्रोक डाउन लिखेंगे और यहाँ पर टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ऐसे ही करके उन्होंने कुछ पर्सनल अकाउंट्स दिखाए हैं,
जो उन्होंने अपने तरफ से बना दिए हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन में, देखते हुए कि ये सब आपको कॉपी में नहीं करना जो समझा रही हूँ मैं। देखो इन्होंने बाय टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल में कैश आया है 2 लाख, ऑब्वियसली कैश टू कैपिटल करते हैं हम, ठीक है। तो जो बैलेंस अब, क्योंकि हमारा डेबिट साइड कोई बैलेंस ही नहीं है, तो हमने, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारा डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, तो इन्होंने टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के नाम से 2 लाख लिख दिया, और जो बैलेंस बचा वो अगले साल का बैलेंस ब्रॉक डाउन हो गया। समझ आया चिल्ड्रन, ये चीज समझ में आई आप सबके? यस मैम। एक बार रिपीट कर दीजिए बेटा। इसमें ये बोला गया है, मान लो कैश और कैपिटल, यानी शुरुआत में बिजनेस के कमेंस होने पे 2 लाख कैपिटल है, तो हमने बाय कैश से 2 लाख लिख दिया, इसका लेजर बनाया कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि हमें डेबिट साइड कोई एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो हमने इसको दोनों साइड इक्वल करने के लिए डेबिट साइड टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिख दिया, ये हमारा प्रेजेंट टाइम का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और हमने अगले साल यानी कि May 1st से हमने जो हमारा बैलेंस शुरू है उसको हमने बैलेंस ब्रॉक डाउन करके, यानी कि पिछले साल का जो क्लोजिंग था इस महीने का वो हमारा ओपनिंग होके हमने लिख दिया। समझ में आया? ओके मैम। इसकी एंट्रीज आप आगे जाके ऐसे ही करेंगे। अब वो तो था आपका पर्सनल, पर्सनल में हमने कैपिटल दिखा दिया, नाम दिखा दिया लोगों के। रियल अकाउंट में क्या होता है? कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये सब रियल में आते हैं। इसमें भी हम यही करते हैं, जो जो हमारी एंट्रीज है, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं बाय और टू साइड, ठीक है। उसके बाद बैलेंस देखते हैं, जहां कम रह जाता है वहां बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। और जो बैलेंस हम पिछले साल का, क्योंकि हमारा क्लोजिंग था, इस साल का वो ओपनिंग कहलाता है। यहाँ पर भी इन्होंने यही किया है, ये रहा पिछले साल का क्लोजिंग, ये इस साल का ओपनिंग हो गया। समझ में आया चिल्ड्रन? यस मैम। बेटा दोबारा से बोलिए, क्या बोला था अभी? मैम पिछले साल का क्लोजिंग और इस साल का ओपनिंग, उसको मैं ब्रॉक डाउन कहते हैं। बेटा देखो, क्लोजिंग जो होता है ना उसको हम कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं, और जो इस साल का ओपनिंग है उसको ब्रॉक डाउन बोलते हैं, सीडी और बीडी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में सीडी लिखते हैं कैरी फॉरवर्ड, और उसको ब्रॉक डाउन को बीडी लिखते हैं, ठीक है। आगे नॉमिनल अकाउंट, आगे नॉमिनल अकाउंट का देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट के लिए भी इन्होंने जनरली कुछ नहीं होता है, सिंपल भी हम तब भी बीडी और सीडी ही लिखते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट हम जनरली बनाते ही नहीं है इतने। एक क्वेश्चन देख लेते हैं आज मैं, जो आपको मेन टॉपिक कराने जा रही हूँ, दैट इज पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री, ठीक है। ओपनिंग एंट्री को हम कैसे पोस्ट करते हैं लेजर? मान लीजिए आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये ओपनिंग बैलेंस आपके दे रखे हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब आपने लिख लिया, ट्रांजेक्शन इकट्ठे ट्रांजेक्शन एक साथ लिख लिया, ये तो ऊपर के अलग दे रखे हैं, नीचे के ट्रांजेक्शन अलग दे रखे हैं, आपने इन सबकी एंट्री कर ली, ठीक है। ये आपके इतने ट्रांजेक्शन सबकी जर्नल कर लिया, आपको पता है ना पहली जर्नल हम कैसे करते हैं, जो कैश इन हैंड दे रखा है ये पूरा ओपनिंग, एसेट साइड एसेट, लायबिलिटी साइड लायबिलिटीज, जहां भी गैप आ रहा है बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल समझाया था, क्रेडिट साइड आ रहा है तो समझाया था, यस ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर कैपिटल दिखाया है, ठीक है, ऐसे इन्होंने सारी जर्नल एंट्रीज करी है पूरी। अब क्योंकि आपकी पहली एंट्री बहुत ज्यादा थी, तो
तो सबके लिए अलग अलग अकाउंट मेंटेन हुए, कैश के लिए अलग, बैंक के लिए अलग, बीआर के लिए अलग, जितनी एंट्रीज हुई सबके लिए अलग अलग अकाउंट मेंटेन हुए, सबके लिए अलग अकाउंट, भले ही आपने ओपनिंग एंट्री कंबाइन कर दी लेकिन अकाउंट सबके लिए मेंटेन हुए। समझ में आया चिल्ड्रन आप लोगों के ये? Yes, ऐसे हम ओपनिंग एंट्री करते कि भले ही हमने एंट्री सबकी एक साथ कर दी हो लेकिन हम अकाउंट सबके अलग अलग मेंटेन करते हैं। तो ये आज का मेरा टॉपिक था आपको समझाने का। लेजर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, एक दो टॉपिक उसमें और है, वो मैं आपके कल कंटिन्यू करा दूंगी। क्योंकि हम आधा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं तो पहले आज मैं इसको आपको होमवर्क में दूंगी, आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा घर पर, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कुछ डिस्कस करना हो दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैम यस बेटा मैम से हम लेजर का कोई भी क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हमें जनरल की एंट्री बनानी होगी, देन उसके बाद ही हम सबके सेपरेट अकाउंट्स बनाएंगे। बिल्कुल सही इशिता, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला, ये बेटा ऐसा ही है। आपको लेजर करने के लिए जर्नल एंट्री तो पास करनी पड़ेगी और क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि पोस्ट देम, पहले तो बोला जाएगा कि आप इसको जर्नलाइज योर ट्रांजैक्शन, फिर आपको बोला जाएगा पोस्ट देम इनटू लेजर, फिर आपको सेम क्वेश्चन में बोला जाएगा प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। इन सब के बाद आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना होगा, कल वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी सारा एक साथ, जिसमें जर्नल भी है, लेजर भी है और ट्रायल बैलेंस भी। तो ऑलमोस्ट आपका लेजर कल कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल। ओके मैम। यस एनीथिंग चिल्ड्रन, आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, काइंडली डू दैट, ठीक है, एंड सबमिट करिए अपना होमवर्क। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रही होगी। वन मोर थिंग चिल्ड्रन, एज क्योंकि मॉर्निंग से हमारे एरिया में लाइट नहीं है, खंदारी साइड लाइट नहीं है मॉर्निंग से, एंड इवनिंग तक लाइट नहीं आएगी, तो मेरे फोन में बैटरी बहुत कम है बच्चों, तो मेरा फोन कभी भी ऑफ हो सकता है, ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। वैसे आज का मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है जितना मेरे को आपको पढ़ाना था। ओके आपको कोई क्वेरी है? नो मैम। किसी को कोई क्वेरी नहीं है, सबको सब कुछ समझ में आया है? यस मैम। ओके चिल्ड्रन एक और चीज, आप लोग में से जितने बच्चे मैथ्स लेना चाहते हैं काइंडली इन्फॉर्म करिए आप ग्रुप पर, जो 11 का ग्रुप है उस पर आप इन्फॉर्म करिए टीचर्स को, भावना मैम पढ़ाती है मैथ्स तो वो ग्रुप में ऐड है, तो आप एक बार ही अपने नाम के साथ मैसेज कर दीजिए कि मैम मैंने मैथ्स ऑप्ट किया है, ठीक है, मैम माय नेम इज दिस एंड आई हैव ऑप्टेड मैथ्स। ओके चिल्ड्रन से समथिंग। ओके मैम। ठीक है, तो एनी टाइम माय फोन कैन बी डिस्चार्ज और स्विच ऑफ, तो इसलिए मैं आप लोगों को फिर से पूछ रही हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं अभी, जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया। नहीं मैम डाउट नहीं। ओके देन क्लास मैं अपनी क्लास एंड करती हूँ, ठीक है चिल्ड्रन, और आपको आज का होमवर्क मैं भेजती हूँ ऑन ग्रुप, ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।